हैं। खबर लखनऊ से है, गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में प्रियंका रहेंगी। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, अब कॉल हाउस में प्रियंका गांधी रहेंगी। दिल्ली स्थित आवास खाली करने के आदेश उनको दिए गए हैं, नोटिस उनको दिया गया है। दिल्ली सरकारी बंगला खाली करने का आदेश और अब वो कॉल हाउस में रहेंगी। प्रियंका गांधी यूपी में बनाएंगी अपना ठिकाना और अब प्रियंका का लखनऊ में नया ठिकाना है। राजधानी लखनऊ में उनका ठिकाना होने के भी कई सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। जय कृष्ण, हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जय कृष्ण, अब प्रियंका गांधी लखनऊ में रहेंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में प्रियंका गांधी का नया ठिकाना होगा और राजधानी लखनऊ का जो गेस्ट हाउस है वहां पर अब प्रियंका गांधी अपना कॉल हाउस में रहेंगी और दिल्ली स्थित आवास को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें जो प्रियंका गांधी को आवास खाली करना है वो 1 अगस्त से पहले खाली करना है, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी है वो राजधानी लखनऊ स्थित आवास में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक यहाँ पर रहने शुरू कर सकते हैं। और आपको बता दें ये जो राजधानी लखनऊ में गोखले मार्ग पर आवास है जो कि श्रीमती शीला कौर पूर्व राज्यपाल का आवास है, प्रियंका गांधी का जो नया ठिकाना होगा वो यही आवास होगा, जिसके चलते यहाँ पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जो इस आवास का रखरखाव है और जो यहाँ पर साफ सफाई का काम है वो भी तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। आज से कई अधिकारियों ने भी इस आवास का निरीक्षण किया है। आपको बता दें जो प्रियंका गांधी है उन्हें जिस तरह सुरक्षा मिली हुई है, जिसके चलते जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम है उनका भी पूरा भरपूर ख्याल रखा जा रहा है और इसी को लेकर के जो तमाम आला अधिकारी है उन्होंने भी अब इस आवास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। लेकिन जयकृष्ण, दिल्ली से अब यूपी की राजधानी लखनऊ की तरफ प्रियंका गांधी का आना, अपना ठिकाना बनाना, सियासत के लिहाज से देखा जाए तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है और हम जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। बिल्कुल, आपको बता दें जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अब उन चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाएंगे और जो आगे की रणनीतियां होंगी वो भी राजधानी लखनऊ स्थित आवास से ही अब तैयार की जाएंगी और इसी के साथ कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनसे भी मुलाकात करना प्रियंका गांधी के लिए बेहद ज्यादा संभव हो पाएगा। और जिस तरह से जो राजधानी लखनऊ में जो अजय कुमार लल्लू है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे थे राजधानी लखनऊ से, आप कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी भी राजधानी लखनऊ स्थित आवास में रहेंगी, तो जो राजनीतिक गतिविधियां हैं तो राजनीतिक गतिविधियां के लिहाज से भी इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयकृष्ण हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों के बीच इस वक्त उन्नाव से एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर उन्नाव से है,